तो छत्तीसगढ़ में सीएम पर सस्पेंस जारी है और इसी बीच बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है। छत्तीसगढ़ में डिप्टी सीएम के पद को लेकर विवाद हो रहा है। जी हां, टीएस सिंह देव और भूपेश बघेल डिप्टी सीएम बनना नहीं चाहते हैं। तो दो बड़े नेता जिन्हें डिप्टी सीएम को लेकर शायद चर्चा में ये कहा गया कि आप डिप्टी सीएम बन सकते हैं, लेकिन दोनों ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हमने मेहनत की है, हमने पूरे छत्तीसगढ़ में चुनाव के दौरान खून पसीना बहाया है, ऐसे में डिप्टी सीएम पद का सवाल ही नहीं उठता। दोबारा बातचीत हो रही है राहुल के घर पर। हालांकि ये बातचीत नहीं, ये सिर्फ यहाँ फैसला सुनाने के लिए बुलाया गया होगा, लेकिन जिस तरह से छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के पद का दावेदार कौन है, चार बड़े नेता, चारों में से अगर एक का नाम फाइनल होता है तो उसके बाद तीन जो हैं वो उस पर अपना समर्थन नहीं देते। सुधीर हमारे साथ बने हुए हैं। सुधीर, जिस तरह से ये बैठक नहीं है, ये सिर्फ फैसला सुनाने के लिए बुलाया गया, लेकिन ये फैसला राहुल गांधी को भी बहुत ये कह सकते हैं कि सोच समझ कर करना पड़ रहा है, क्योंकि एक तरफ उनके करीबी ताम्रध्वज साहू हैं तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के दो बड़े नेता टी एस सिंहदेव और भूपेश बघेल, जिन्होंने इस मंच तक, इस सीट तक लाकर पहुंचाया कांग्रेस को, इतनी मेहनत तक लाकर पहुंचाया कि आज वो पूर्ण बहुमत के साथ है। बिल्कुल, देखिए ये क्योंकि जिस तरीके से जो खबरें आई थी, जो लोग से बाहर निकले थे तो उसके बाद में पीछे गाड़ी में कुछ लोग थे, उन्होंने सीधे बताया था कि तामद साहू जो है उनको फाइनल किया गया, और उसके बाद में उनके घर पर छत्तीसगढ़ में जो गांव है वहां पर मिठाइयां भी बांटी जा रही, इस तरीके की भी खबरें सामने निकल कर आई। और उसके बाद डीएस सिंहदेव की मल्लिकार्जुन खड़गे से अकेले में मुलाकात, ये ज्यादा मायने रखती है। और उसके बाद सभी नेताओं के यहाँ बुलाया गया है, यानी कि जो नाम लिया गया था उसके बाद में डिप्टी सीएम का पद जिसे ऑफर किया गया है, कम से कम वो डिप्टी सीएम बनने के लिए तैयार नहीं है। और ताम्रध्वज साहू के नाम को लेकर भी कहीं ना कहीं एक असमंजस जो है वो तीनों नेताओं में बरकरार है। और यही वजह है कि आखिरी दौर की बैठक अब यहाँ पर हो रही है, क्योंकि ये माना जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में अगर जो बात करें तो एक भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव ये वो चेहरे थे जिन्होंने कम से कम सरकार वापसी को लेकर सालों तक काम किया था, और ऐसे में इन नेताओं को कम से कम राहुल गांधी नाराज बिल्कुल नहीं करना चाहते। और यही वजह है कि अब जो है एक बार फिर से राहुल गांधी ने सभी नेताओं को बुलाया है, बैठक अंदर जारी है, और बैठक जैसे ही खत्म होगी तो देखना होगा कि क्या जो शुरुआती चर्चाएं थी उन चर्चाओं में कुछ बदलाव होता है। उप मुख्यमंत्री पद को लेकर जो एक बात कही जा रही है क्या उसको स्वीकार किया जाता है, अब इस बात पर सबकी निगाह टिकी हुई है कि क्या अंतिम निर्णय राहुल गांधी इस बैठक में लेने वाले हैं। जी, आप जिस तरह से सुधीर ये अंदाजा लगाया जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि शाम 5 बजे तक ये चीज फाइनल हो जाएगी, विधायक दल की बैठक होगी और वहां उस नाम को बता दिया जाएगा, लेकिन अब विधायक दल की बैठक भी लेट होगी क्योंकि जिस तरह से लगातार वहां बने हुए हैं, मंथन चल रहा है, बातचीत चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी फैसला निकल कर सामने नहीं आता। डिप्टी सीएम को लेकर यहां टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल मना कर देते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि राहुल गांधी के सामने दोनों ही बड़े नेताओं ने अपने क्षेत्र के साथ साथ अपने दावेदारी मजबूत करने के साथ ही ये रखा होगा कि उनकी दावेदारी क्यों मजबूत है, क्यों वो चाहते हैं सीएम बनना। देखिए, बस तमाम जो चीजें बताई गई थी, तर्क दिए गए थे कि टीएस सिंहदेव ने न केवल सरगुजा बस्तर संभाग में बीजेपी का सफाया किया, बल्कि जो जन पत्र, जो घोषणा पत्र जो उसका था कांग्रेस का, उसको तैयार कराने में टीएस सिंहदेव की सबकी भूमिका थी। जिस तरीके से राय उन्होंने हर वर्ग से जाकर ली थी, और उसके बाद में घोषणा पत्र जो तैयार हुआ था उसका असर देखने को मिला था कि इतनी बड़ी मेजोरिटी में सरकार बनाने में कहीं ना कहीं कांग्रेस कामयाब रही है, 2/3 बहुमत अगर उनका आया है। और उसके बाद में अगर बात करें तो जो भूपेश बघेल थे, पिछले 2 टर्म से लगातार वो मेहनत कर रहे थे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की मजबूती के लिए, ये वो बात थी। तामद्रे साहू एक बड़ा वर्ग है, केवल वो वर्ग विशेष की वजह से ही उनको विधायक का चुनाव लड़ाया गया था, जिससे कि साहू समाज जो है, जो बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रतिनिधित्व करता है, उसको कम से कम कोई नाराजगी ना झेलनी पड़े, और उस वर्ग का कोई एक प्रतिनिधित्व दिखाई दे छत्तीसगढ़ में आने वाले लोकसभा चुनाव में भी उसका फायदा हो, वो लाभ उसको मिले। और ऐसे में उनको रेस में आगे रखा गया था। चरणदास बहन फिलहाल रेस में पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और जो बात थी, खबरें थी, एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे सीधी तस्वीरें राहुल गांधी के बंगले से जल्दी दिखाने की, और वो जो बात है वो जरूर सुधीर कहा जा रहा है कि अभी अभी भी मीटिंग चल रही है, बैठक चल रही है, तीनों चारों नेता वहीं है राहुल गांधी के आवास पर।
देखिए तीनों चारों नेता यहीं पर है, इसके अलावा जो दो विधायक भी चुनकर आए थे वो भी गलियारे में बाहर टहल रहे हैं, और विकास उपाध्याय देवेंद्र यादव शायद उनको भी ये जानकारी नहीं दी गई थी, भले ही साथ में आए हो। तीनों नेता चारों नेता अंदर हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे अंदर हैं, इसके अलावा जो एक बात कहें पीएल पूर्णिया वो भी अंदर हैं। तो ये सभी एक बैठक है और माना जा रहा है कि समझाइश जो है वो दी जा रही है। अगर किसी तरह से समझाइश में कामयाब नहीं होते तो हो सकता है कि राहुल गांधी अपने निर्णय को बदलें या फिर निर्णय को कठोर तरीके से लागू करवाना पड़े, इस बात की भी संभावना अब ज्यादा जताई जा रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में स्पष्ट बहुमत कांग्रेस के पास में है। कांग्रेस बड़ी मजबूती के साथ देश के उन राज्यों में छत्तीसगढ़ में से निकल कर आई है जब 15 साल से बीजेपी की सरकार थी, और उसके बाद में इतना स्पष्ट बहुमत आना ये प्रमुख वजह है कि राहुल गांधी कम से कम नेताओं को नाराज नहीं करना चाहते और इसीलिए लगातार बैठकें ले रहे हैं। चौथे दौर की ये बैठक है और इस बैठक को माना जा रहा है कि शायद ये अंतिम बैठक हो और जो निर्णय है वो जल्दी सबके सामने निकल कर आए। जी बाकी सुधीर, लेकिन जिस तरह से धुंध अभी तक नहीं छटी, ये लग रहा था कि ये जो छत्तीसगढ़ का सीएम कौन होगा ये कोहरा छट जाएगा आज, लेकिन दोपहर बाद तक ये स्थिति बन रही है। यानी कि स्वाभाविक सी बात है कि इतना समय लगना सुधीर, क्योंकि 3 स्टेट 3 दिन, आज लास्ट दिन था, ये समझ में आ रहा था कि शनिवार को जो है वो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन राहुल गांधी के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है ये फैसला लेना, क्योंकि एक तरफ साहू समाज वोटरों को अपनी तरफ करना है, तामराधवज साहू जिन्होंने लंबे समय से पार्टी की सेवा की है और साथ ही साथ गांधी परिवार की भी, इधर भूपेश बघेल है, टीएस सिंह देव है जो जमीनी नेता है, दोनों का अपने अपने इलाके में बहुत वर्चस्व है। सवाल यह है कि आप वर्चस्व को मौका देंगे, आप जमीनी नेता को मौका देंगे या आप जातिगत मौका देंगे? कहीं ना कहीं गांधी परिवार के इर्द गिर्द अभी भी कांग्रेस पार्टी घूम रही है, अगर निर्णय लेना ही था या अगर वहां से उन्हें नाम लेना ही था तो वो कह सकते थे कि आप जाइए विधायक दल की बैठक तय करेगी, विधायक दल तय करेगा। बिल्कुल, देखिए बात करें तो वही एक बात है, विधायक दल जो तय करना था राहुल गांधी के ऊपर निर्णय छोड़ा था, उस निर्णय के बाद में राहुल गांधी ने भी कुछ निर्णय जरूर लिए थे, ये खबरें सामने निकल कर आई थी, पर लेकिन जिस तरीके से जो निर्णय राहुल गांधी ने लिया था उसके साथ दूसरे नेता सहमत नजर नहीं आए, उसके बाद में ये स्थितियां बनी और यही बताया कि अब उनके बैठक में नेताओं को मनाने की कोशिश की जा रही है और बताया जा रहा है कि आखिर क्यों उनको बनाया जाए। जो खबरें थी कि तामराधवज साहू को नाम पर सहमति जताती गई है, उसके बाद में जो बाकी के तीनों नेता थे वो उस नाम पर सहमत नजर नहीं आए, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर इन नेताओं को लगता था कि तामराधवज साहू भले ही बड़ा नाम हो पर लेकिन छत्तीसगढ़ के अंदर पूरी जो मेहनत कांग्रेस की कमजोर की लेकर की गई है वो भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव ने की, ऐसे में रेस में उनका नाम आगे होना चाहिए ये कम से कम उनको ये लगता है, ये दलीलें और तर्क दिए गए थे, तो ये एक बात थी। और हलचल राहुल गांधी के बगले के बाहर अचानक बढ़ी है और फिर से इंतजार किया जा रहा है, जिस तरीके से अंदर लगातार बैठक जारी है उसके बाद में ये इंतजार किया जा रहा है कि जो बैठक में क्या निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि अंदर बैठक है, मल्लिकार्जुन खड़गे पीएल पुणे राहुल गांधी, इसके अलावा चारों दावेदार मौजूद हैं, बाहर गलियारे में छत्तीसगढ़ में कुछ नेता भी दिख रहे हैं जो लगातार इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर किसको बनाया जाए, और अपने नेताओं के साथ कुछ समर्थकों का भी जवाबड़ा यहाँ पर लगने लगा है। अगर तस्वीरें सीधे दिखा सके हम अपने दर्शकों को, तो अगर आप देख पा रहे हो तस्वीरों में तो फिलहाल सस्पेंस जो है वो बना हुआ है, जो निर्णय राहुल गांधी ने लिया था और निर्णय के साथ में दूसरे नेता सहमत नजर नहीं आए, जिसके बाद में ये एक और बैठक बुलानी पड़ी है। जी तो तस्वीरें भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे दर्शकों को कि आखिर राहुल गांधी के बंगले के बाहर क्या स्थिति बन रही है। लेकिन सुधीर, अगर छत्तीसगढ़ की बात करूं, यहां की अगर आपको जानकारी दूं तो भूपेश बघेल, टीएस सिंह देव और तामराधवज साहू, इनके बंगले की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, तीनों जगह समर्थकों का जमावड़ा है। इधर साहू समाज के लोग एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं, लगातार साहू समाज इकट्ठा हो रहा है और एयरपोर्ट पर उन्हें लगता है कि तामराधवज साहू को अगर कमान सौंपी गई तो उनके समाज से। चलिए तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करेंगे, कुछ तस्वीरें हमारे पास आने की हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, जैसे ही वो तस्वीरें हमारे पास आती है आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर वो तस्वीरें देखेंगे। तो तामराधवज साहू, अगर इनके सियासी सफर की बात करें, जी सुधीर तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो तामराधवज साहू का नाम सबसे आगे चल रहा है, लेकिन दोनों बड़े नेता भूपेश बघेल और टीएस सिंह देव इस नाम पर सहमति नहीं जता रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने डिप्टी सीएम बनने को लेकर भी साफ इनकार कर दिया है।